विजयदशमी के मौके पर नागपुर में संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस बार भी आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। कार्यक्रम की शुरुआत खुद मोहन भागवत ने शस्त्रों की पूजा कर की। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है यह निमित्त पर्याप्त है, और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना। लेकिन मोहन भागवत की बात विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान को लेकर मोहन भागवत पर तंज कसा। वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें, संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात करें। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी मोहन भागवत को आड़े हाथों लिया। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ भारत में हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया, बल्कि बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए देशवासियों को सचेत भी किया। मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि जब तक कट्टरपंथ है, तब तक वहां हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार वहां हिंदू एकजुट हुए और अपनी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में क्या हुआ, पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहां थे, यही लोग जो विचार देने वो कहां थे लोग। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मोहन भागवत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के एकजुट होने की बात तो करते हैं, लेकिन जब भारत में अल्पसंख्यकों के एकजुट होने की बात होती है तो उन्हें बुरा लग जाता है। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए, तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोंकण नगर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के मार्च के दौरान दो पक्षों में तनाव हो गया। ये तनाव उस वक्त हुआ जब आरएसएस का मार्च मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। तभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नारेबाजी करके पथ संचलन को बाधित करने की कोशिश की। इसके बाद हिंदू पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंच गया और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए केस दर्ज करने की मांग की। इसके बाद पूरी भीड़ उसी कोंकण नगर पहुंची जहां ये विवाद हुआ था। वहां मुस्लिम समुदाय भी आक्रामक हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। बाद में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और बताया गया कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज इनकी हिम्मत इस तरह आरएसएस जैसी राष्ट्रभक्त संगठनाओं को रोकने तक आई है, कल या हमारे घर के अंदर तक पहुंचेंगे। फिलहाल तनाव को देखते हुए उस इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने देश में डेमोग्राफी बदलने का दावा किया। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की, और इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को याद दिलाया जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है, और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के एक गरबा कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए डेमोग्राफी बदलने का जिक्र किया और साथ ही बदलती डेमोग्राफी से आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बताया। कट्टरवाद ने सारी दुनिया के अंदर युद्ध के माध्यम से अशांति और अराजकता फैला दी है।
विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्योहार मनाने पहुंचे। दार्जिलिंग के सुकना कैंट में रक्षा मंत्री ने पहले शस्त्र पूजा की, जिसमें हिंदुस्तान का रक्षक ड्रोन भी शामिल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। शस्त्रों की पूजा करने के बाद रक्षा मंत्री ने वहां मौजूद सभी जवानों को तिलक भी लगाया। जवानों को तिलक लगाने के दौरान ही रक्षा मंत्री की नजर वहां रखे गए हिंदुस्तान के रक्षक ड्रोन पर पड़ी, जिसके बाद वो वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाए। राजनाथ सिंह ड्रोन के पास पहुंचे और उसकी भी पूजा की। जवानों को तिलक लगाने के बाद उन्होंने सभी के साथ फोटो भी खिंचवाई और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान वहां जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत विरोधी ताकतों को चेतावनी भी दी। पर कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद जवान भी काफी जोश में नजर आए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने शोभा यात्रा में भी हिस्सा लिया। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजन के बाद साधु संतों के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ विजय रथ पर सवार हुए। सीएम योगी ने विजयादशमी की इस पारंपरिक शोभा यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। ये शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला पर समाप्त होती है, जहां सीएम योगी प्रभु श्री राम का पूजन और राज्याभिषेक करते हैं। गोरक्षपीठ की विजयादशमी की विजय शोभा यात्रा बेहद अनूठी होती है। इस परंपरा का शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग तो शामिल होते ही हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा भी इस यात्रा का स्वागत किया जाता है। विजयदशमी के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर की भूमिका में दिखे और गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व के अनुष्ठान का शुभारंभ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने दंडाधिकारी की भूमिका निभाई। गोरखनाथ मंदिर में सुबह से घंटा घड़ियाल, तुरही और नगाड़े की धुन के बीच विजयदशमी के अनुष्ठान हुए। नागपंथ की परंपरा का पालन करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर के विशेष परिधान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी की विधि विधान से पूजा आराधना की। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के खास मौके पर दंडाधिकारी की भूमिका में। विजयदशमी के दिन प्रातः काल गोरक्ष पीठाधीश्वर ने मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा की और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगे। मंदिर के गर्भगृह में योगी आदित्यनाथ ने विशिष्ट पूजन किया और गुरु गोरखनाथ जी की आरती उतारी। महाराष्ट्र में एक बार फिर असली नकली शिवसेना को लेकर चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच दशहरा रैली को लेकर जंग छिड़ गई और दोनों गुटों ने अपनी अपनी रैलियों को असली शिवसेना की रैली होने का दावा किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, बाला साहब ठाकरे ने दशहरा रैली की शुरुआत की थी और उसी परंपरा को उद्धव ठाकरे भी निभाते नजर आएंगे, लेकिन कुछ डुप्लीकेट शिवसैनिक अपनी रैली को असली बता रहे हैं। शिवसेना की दशहरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के स्थापना के वक्त शुरू की और दूसरी एक रैली जो होती है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रैली सुबह होती है, हमारी शाम को होती है, दो रैली है। अब तो ये डुप्लीकेट शिवसेना वाले है महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर। संजय राउत के बयान पर शिंदे गुट ने पलटवार किया और अपनी रैली को असली बता दिया। आजाद मैदान पे जिसे आज संबोधित करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी, जो हमारी पार्टी के मुख्य नेता है, और वहां वो शिवसेना प्रमुख के विचारों को, उनके हिंदुत्व पर आधारित विचारों के ऊपर अपना प्रतिपादन पेश करेंगे। दोनों गुटों का मुख्य उद्देश्य राज्य में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी ताकत दिखाना है, लेकिन रैली को लेकर प्रदेश में एक बार फिर असली नकली शिवसेना की चर्चा शुरू हो गई। देश दशहरा मना रहा है और राजनीतिक पार्टियां सियासी दशहरा सेलिब्रेट कर रही हैं। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों की फोटो लगाकर लिखा, डरो मत लड़ो, माफिया से रक्षा कांग्रेस करेगी। लोग अब इसे दशहरे से जोड़कर देख रहे हैं। भगवान राम ने धर्म और दुर्बलों की रक्षा के लिए रावण को मारा था, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस सियासी फायदे के लिए माफिया रूपी रावण का दाव खेल रही है।
इन बैनरों और पोस्टर को देखिए जिन पर लिखा है डरो मत लड़ो, और ये लिखा गया है बीजेपी विधायकों के लिए जिन्होंने हाल ही में पुलिस कप्तान के सामने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल है, हद तो ये हो गई कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनकी सरकार मध्य प्रदेश में है उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। अगर सरकार रक्षा उनकी नहीं कर पा रही है तो आवाज बुलंद करो। मदरसों को मिलने वाली फंडिंग एक बार फिर सियासत का हॉट टॉपिक बन गई है क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र लिखकर मदरसों की फंडिंग रोकने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की बात इस चिट्ठी में है। NCPCR द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में 11 अध्याय हैं, जिसमें मदरसों का इतिहास और बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन में मदरसों की भूमिका का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि मदरसों और मदरसा बोर्डों को दिया जाने वाला वित्त बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, मदरसा बोर्डों को भी बंद कर देना चाहिए, मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालकर स्कूलों में दाखिला दिलाना चाहिए। NCPCR के इस पत्र के बाद सियासी भूचाल आ गया। सबसे पहला सवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया। देश सबका है, सबका देश, संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है, तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी है, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। देश में एक के बाद एक ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। तमिलनाडु के थिरुवल्लूर में खतरनाक ट्रेन हादसा हो गया, जहां मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। इस हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रैक को ठीक करने का काम जारी है। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि बागमती एक्सप्रेस मुख्य लाइन में जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई। साथ ही इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और सोशल मीडिया पर लिखा कि अनेक दुर्घटनाओं में कई जाने जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता, जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में विजयादशमी की धूम है। पूरे देश में रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के श्री धार्मिक रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने सांकेतिक रूप से तीर चलाकर रावण दहन किया और देशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी तीर चलाकर बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के दहन के गवाह बने। ये तस्वीरें परंपरा हैं और प्रतीक हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की। अब देखिए अलग अलग शहरों में किस तरह से रावण दहन हुआ है। दिल्ली, जम्मू, मैसूर, चंडीगढ़ और देहरादून, किस तरह से दशहरे की धूम है हर तरफ और रावण जलाया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले किस तरह से फूके गए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर शहर, हर नगर में विजयादशमी की धूम है। और कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार बंगाल में दुर्गा पूजा पर भी अलग अलग तरह के विवाद सामने आए। अब तो कोलकाता के गोल्डन ब्रिज इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पंडाल और प्रतिमा पर ही अटैक कर दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि पूजा पंडाल पर हमला करने वाले गैर समुदाय के थे और उन्होंने पंडाल में बज रहे ढोल और घंटों को बंद कराने की धमकी दी, साथ ही पूजा में विघ्न डालने की कोशिश भी की। हम यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, वहाँ से 40-50 आदमी आ रहा है 1:30 बजे, तो हम सोचा इतना भीड़ है क्योंकि बहुत बार यहाँ से मट्टी भी जाता है, 40-50 आदमी लेके आता जाता, तो हम सोचा कोई मट्टी आ रहा है। हमको क्रॉस करके आया पंडाल में, 2 महिला, 1 बच्चा, 2 जवान, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग पूजा पंडाल में घुसे और विवाद करने की कोशिश की वो सब अजनबी थे। तो क्या ये किसी साजिश के तहत किया गया? दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम, दोनों तरफ से ये दावा किया गया कि जो लोग यहाँ पर तनाव फैलाने की कोशिश किया वो स्थानीय नहीं है। जिस दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले की कोशिश की गई वहाँ पिछले 54 साल से लगातार पूजा होती आ रही है। सवाल ये है अचानक बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि हिंदुओं की आस्था और पूजा में विघ्न डाला जाने लगा। आज विजयादशमी का पावन पर्व है। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पावन मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। बाबा विश्वनाथ के धाम के मुख्य चौक में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
विश्वभूषण मिश्रा ने बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल, गदा, तलवार, तीर, धनुष और अन्य शस्त्रों का पूजन करके पुरातन परंपरा को नूतन से जोड़ते हुए विजयदशमी पर्व को मनाया। बाबा विश्वनाथ के सभी शस्त्रों का पूजन करते हुए विधिवत तरीके से उनकी आरती उतारी गई और प्रभु श्री राम का श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न हुआ। और इस मौके पर जन समुदाय ने भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन ने न केवल सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा बल्कि समाज में एकता और जागरूकता का संदेश भी दिया। विजयदशमी के मौके पर देश में कई जगह शस्त्र पूजा हुई। गुजरात के जामनगर से बीजेपी विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने भी शस्त्र पूजा की और रिबाबा के साथ तमाम लोगों ने एक साथ बैठकर शस्त्र पूजा की। उनके सामने तलवार और पिस्तौल रखी थी। रिबाबा ने पुष्पांजलि करके तलवार और पिस्तौल का शुद्धिकरण किया और मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा को पूरा किया गया और उन्होंने रिवॉल्वर को कलावा बांधकर शक्ति की साधना की। साथ ही रिबाबा ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। आज सभी हम दशहरा के पावन अवसर पर हमारे जीवन में आने वाली उन बदियों को विनाश करके, उन बदियों का नाश करके हमारे जीवन को उन्नत बनाए, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना के साथ, मां जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना के साथ आप सभी को पुनः एक बार दशहरा महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कन्याओं का पूजन किया और इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं से थूक जिहाद का विरोध करने की अपील भी की। योग गुरु ने कनखल के दिव्य योग मंदिर में आचार्य बालकृष्ण के साथ कन्या पूजन किया। बाबा रामदेव ने कन्याओं के पैर पखारे और उनका आशीर्वाद भी लिया। बाबा रामदेव ने विजयदशमी के मौके पर यज्ञ भी किया और दशहरा की शुभकामनाएं दी। इसके बाद बाबा रामदेव ने खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं का विरोध किया। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए, भाई कहीं थूक दिया, कहीं या कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। बाबा रामदेव ने खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर पुरजोर विरोध किया और मुस्लिम धर्म गुरुओं से इसके विरोध करने की भी अपील की। देश भर में रामलीला की धूम है, लेकिन हरिद्वार में रामलीला मंचन के दौरान कैदियों ने खेला कर दिया। दरअसल हरिद्वार जेल में गाजे बाजे के साथ रामलीला का मंचन हो रहा था। जेल के तमाम अधिकारी रामलीला का आनंद ले रहे थे। उसे दे सकते हो? मानो भगवान। सभी अधिकारी और कैदी रामलीला के मंचन में ऐसा डूबे कि दो कैदी वानर का भेष बनाकर 9-2-11 हो गए। दोनों कैदी चुपके से जेल की दीवार फांदकर फरार हुए और जब जेल प्रशासन की साधना टूटी तो सबके हाथ पांव फूलने लगे। जानकारी के मुताबिक फरार कैदी पंकज रुड़की का रहने वाला था और वो हत्या के मामले में जुलाई 2023 से उम्र कैद की सजा काट रहा था, जबकि दूसरे फरार कैदी का नाम राजकुमार है, वो यूपी के गोंडा का रहने वाला है, अगस्त 2024 से जेल में है। राजकुमार अभी विचाराधीन था। कैदियों के फरार होने का पता तब चला जब रात में उनकी गिनती की गई। जानकारी के मुताबिक जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक का निर्माण चल रहा है, इसी का इस्तेमाल करके कैदी फरार हुए। फिलहाल जांच और कैदियों की तलाश जारी है। आज विजयदशमी के मौके पर देश भर में रावण दहन किया जा रहा है, लेकिन कोटा में दहन से पहले ही रावण के साथ हादसा हो गया। दरअसल दशहरा मैदान में रावण के कुनबे का पुतला खड़ा किया जा रहा था, इस दौरान हाइड्रोलिक क्रेन पर लगा बेल्ट अचानक टूट गया। इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि क्रेन का बेल्ट टूटने से रावण का पुतला तेजी से नीचे गिरा। हादसे में रावण के पुतले का आधा शरीर नीचे लकड़ी की मचान पर गिरा। अचानक हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण पुतले की गर्दन और कमर की तरफ का कुछ हिस्सा टूट गया। हालांकि रावण के पुतले को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, जिसे बाद में कारीगरों से दुरुस्त करवाया गया।
राजस्थान के कोटा में गुजराती समाज के लोगों ने खास अंदाज में विजयदशमी का पर्व मनाया और करीब 150 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए रावण को मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान सेठ समाज के पहलवानों ने अखाड़े में मिट्टी का बड़ा सा रावण बनाया। उसके बाद सभी लोगों ने चारों तरफ से इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारे लगाए और सभी पहलवान उस रावण के रूपी टीले पर चढ़कर उसे रौंदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस मिट्टी के रावण को रौंदकर मैदान कर दिया। गुजराती सेठ समाज ने पहलवानों की इस परंपरा को सालों से मनाते आ रहे हैं। इस रावण की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और नवमी के दिन पूजा करने के बाद उसका वध किया जाता है। नवमी के दिन माता जी की पूर्ण आहुति होती है। पूर्ण आहुति के बाद सुबह रावण का वध करते हैं। तो रावण के ऊपर से द्वारे जो उगाए जाते हैं उनको तोड़ के माता जी को चढ़ा के और सभी एक दूसरे को देते हैं। मान्यता है कि हाडौती में हाडा राजाओं को कुश्ती देखने का बड़ा शौक था। यही वजह है कि करीब 150 साल पहले यहां के राजा कुछ पहलवान गुजरात से कोटा बुलवाते थे और उनकी कुश्ती करवाई जाती थी। तभी से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा ने थाने के अंदर एक इंस्पेक्टर को जमकर फटकार लगाई। बताया गया कि शिकायत पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कमल दत्त शर्मा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने बाकी पुलिस वालों के सामने ही इंस्पेक्टर की क्लास लगानी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी नेता कमल दत्त शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए, जबकि पुलिस वाले उनके पीछे खड़े नजर आए। बीजेपी नेता ने इंस्पेक्टर को हड़काते हुए इशारों इशारों में और कार्यकर्ताओं को बुलाने की बात कह डाली। नेताजी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वो पुलिस को उनकी ड्यूटी बताने आए। मैं तुम्हारा मान मर्दन करने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं तुम्हारी ड्यूटी बताना है। तुम जिस पर चाहोगे उसे कह दो कि आज थाने में डर के भाग जाएगा वो, उससे शेर के सवा शेर भी करते हैं। इस दौरान नेताजी ने कानून का जानकार होने का दावा भी किया। कानून को जानने वाला हूँ, मुझे राइट है कि मुझे क्या करना है। मुझे तुम्हारे तहजीब से भी बात करनी है और तुम्हें लाइन पे भी लाना है। दरअसल बीजेपी नेता ने थाने के पास जीएसटी बचाने के लिए बसों में अवैध तरीके से माल ढोने की फोन पर शिकायत की थी, लेकिन बताया गया कि इंस्पेक्टर ने उन्हें थाने में आकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही, जिससे नेताजी नाराज हो गए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। पुलिस जवाबदारी नहीं देगी, यहाँ जनता को जवाबदारी हम देंगे और अगर यहाँ पर इस तरह की व्यवहार होगा तो एक बार नहीं 10 बार थाने पाएंगे। जबकि वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले उनसे शांत होने की गुहार लगाते दिखाई दिए। ये हंगामा काफी देर चलता रहा। आपके आपको मेरी बात आपके साथ है, आपकी वजह से ही तो है सब कुछ, थोड़ी होता है आप किसी से भी कह। अभी चंद दिन पहले ही नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था और बस्तर के अबूझ बाण जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया था। अब एनआईए ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है और नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 सप्लायर को भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये सप्लायर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बैठकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों तक हथियार पहुंचाने का काम करते थे। हथियारों की एक खेप प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी गुट को पहुंचाई जानी थी। प्रयागराज के रहने वाले सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद नाम के हथियार डीलर इस काम को अंजाम दे रहे थे। एनआईए की जांच में कंफर्म हुआ है कि दोनों आर्म्स डीलर लंबे समय से नक्सलियों के संपर्क में थे। इससे पहले 2023 में भी 4 हथियार सप्लायर पकड़े गए थे जिनका नक्सलियों से लिंक निकला था। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। डीएनए सैंपल के डर से रेप का एक आरोपी फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में ये जो आरोपी नजर आ रहा है इस पर दुष्कर्म का आरोप है। झांसी पुलिस आज इस आरोपी को जिला अस्पताल में डीएनए सैंपल के लिए लाई थी। सैंपलिंग के बाद पुलिसकर्मी आरोपी मोनू पाल को लेकर निकल रहे थे, लेकिन इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया और हथकड़ी समेत फरार हो गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े। काफी दूर जाकर आरोपी और पुलिसकर्मियों में रेस होती रही। आखिरकार भागते हुए आरोपी मोनू पाल नाले में गिरा। पीछा कर रही पुलिस भी उसके साथ नाले में कूद गई और घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। नवरात्र पर इस बार बुर्ज खलीफा में देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। चौंकिए मत, बिहार के मुंगेर में बुर्ज खलीफा की थीम पर दुर्गा पंडाल बना है जो अद्भुत है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये दुबई का बुर्ज खलीफा नहीं
बल्कि बिहार के मुंगेर में बनाया गया देवी दुर्गा का पंडाल है और इसे बुर्ज खलीफा के थीम पर बनाया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा में बड़ी दुर्गा महारानी विराजमान है। इस बुर्ज खलीफा पंडाल की ऊंचाई 150 फीट है, जिसे गिरिडीह के कारीगरों ने बनाया है। यह पंडाल मुंगेर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। पूरा पंडाल रंग बिरंगी लाइटों से जगमग करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे यह वाकई दुबई का बुर्ज खलीफा हो। इसी जगह पर श्रद्धालु कैलाश पर्वत का भी दीदार कर रहे हैं। 100 फीट ऊंचे और 150 फीट चौड़े पर्वत पर देवों के देव महादेव विराजमान हैं। ये दृश्य भी अलौकिक और मनमोहक है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम का स्वरूप भी दर्शाया गया है, जो 50 फीट ऊंचा है और रंगीन एलईडी बल्बों से बनाया गया है। एक ही स्थान पर ये तीन अद्भुत पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। उत्तरकाशी के स्कूलों में छात्रों को मजदूर बना दिया गया है, नाबालिग छात्रों से फर्नीचर उतरवाया जा रहा है। ये वीडियो राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा का है। यहाँ विद्यालय प्रशासन छात्रों से मजदूरी करवा रहा है। नाबालिग छात्रों से ट्रक पर आई फर्नीचर उतरवाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डुंडा इंटर कॉलेज के लिए देहरादून से 4 ट्रक फर्नीचर आए थे, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने मजदूरों के बजाय छात्रों से फर्नीचर की ढुलाई करवाई। जानकारी के मुताबिक सभी छात्र 12 से 15 साल के बताए जा रहे हैं। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद विद्यालय प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि स्कूल में छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं या मजदूरी के लिए। प्यार में बंदा अंधा ही नहीं, चोर भी बन सकता है। ग्रेटर नोएडा में 3 बीटेक स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कार चोरी कर ली। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये 3 लड़के तो बेहद शातिर निकले। इनके सिर पर प्यार का ऐसा भूत चढ़ा कि गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए इन तीनों ने कार ही लूट ली। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई कार भी बरामद कर ली है, लेकिन पूछताछ में पता चला कि इन चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में कार पर हाथ साफ किया। कार को ट्रायल रन के लिए ले जाने के बहाने इसको लेकर के भाग गए थे। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए तीनों ही आरोपी ग्रेटर नोएडा के नामी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जानकारी में पता चला है कि ये लुटेरे हेलमेट पहनकर आए और गाड़ी का ट्रायल करने लगे, फिर गाड़ी का ट्रायल करा रहे कर्मचारियों को धक्का देकर गाड़ी लेकर फरार हो गए। पूछताछ में पता चला कि इनमें से एक आरोपी को अपनी गर्लफ्रेंड को नई गाड़ी में घुमाना था, इसीलिए तीनों दोस्तों ने कार लूट का प्लान बनाया। फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने एक युवक को दिनदहाड़े गोली मार दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक पर 2 युवक बैठे किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। बदमाशों की बाइक स्टार्ट रहती है। कुछ देर बाद सफेद शर्ट में युवक आता हुआ दिखाई देता है और वो जैसे ही बाइक सवारों के करीब पहुंचता है, आरोपी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक कई राउंड फायर करके हमलावर तेजी से भाग जाते हैं। दरअसल आरोपियों ने युवक को पता पूछने के बहाने बुलाया था, लेकिन वे गोलियां बरसाने लगते हैं। गोली पीड़ित युवक की कमर पर लगी है। फिलहाल पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित के घर वालों का आरोप है कि पहले भी उसके ऊपर फायरिंग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजकल यूपी के सभी जिलों में रामलीला का आयोजन हो रहा है। हापुड़ में भी विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। इस मेले में तमाम तरह के झूले लगाए गए हैं, जिस पर कई युवा जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। एक लड़का झूले से निकलकर उस पर लटक गया, जो ऊपर की ओर जा रहा था। कुछ और लड़के भी वैसे ही हरकत करते नजर आए। करीब 3 लड़के चलते झूले से निकलकर उस पर लटक गए। गनीमत रही कि झूले वाले ने तत्काल झूले को रोक दिया और वापस ले आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। Z News.